What is the remainder when 1,127,729 times 1 is divided by 728? तो अगर हम देखेंगे 728 से हमें डिवाइड करके रिमाइंडर पता लगाना है, तो 728 के फैक्टर्स क्या होते हैं? तो 728 वी कैन क्लियरली सी 8 से डिविजिबल है, तो 72 को हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं 9 टाइम्स और 8 को 1 टाइम्स, तो आ जाएगा क्या हमारे पास में 8 इंटू 91, एंड देन 91 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, हो जाएगा हमारे पास में 7 इंटू 13, तो इसके टोटल फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 7 इंटू 8 इंटू 13, ओके नाउ अब हमारे पास में जो नंबर है हम उसे दोबारा से देखते हैं, हमारे पास में नंबर n है विच इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास में ऐसे 1 1 1 1 1 कितने टाइम्स ऐसे ही 1 1 जो है हमारे पास में टोटल 729 टाइम्स है, ओके अब इस 1 1 1 से मैं 728 को डिवाइड करके रिमाइंडर कैलकुलेट करूंगा, लेकिन मुझे पता है मैं डायरेक्ट 728 को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा मैं इसके फैक्टर्स को डिवाइड करूंगा, मैं 7 को भी डिवाइड करूंगा, मैं 8 को भी डिवाइड करूंगा और मैं 13 को भी डिवाइड करूंगा, तो फिर इन तीनों से जो मेरा रिमाइंडर आएगा, यहाँ से मेरा रिमाइंडर आएगा R1, यहाँ से मेरा रिमाइंडर आएगा R2 और यहाँ से मेरा रिमाइंडर आएगा R3, फिर मैं उन तीनों से क्या करूंगा इसका एक कंबाइन रिमाइंडर कैलकुलेट करूंगा। नाउ लेट्स सी, अब एक इंपॉर्टेंट बात हमें पता होती है क्या, सी हमारे पास में ना हम देखेंगे टर्म्स कैसी हैं, 1 1 1 1 1 टाइप की हैं, तो अगर मैं देखूंगा जो हमारा 11 होता है 11, ना तो वो 7 से डिविजिबल है, ना ही 8 से डिविजिबल है, ना ही 13 से डिविजिबल है, ऐसे ही अगर मैं देखूंगा ना ही 101 है, ना ही 111 है, ना ही 1111 है, बट जब हम यहाँ पे 6 टाइम्स 1 यूज करते हैं 6 टाइम्स 1, तो ये जो हमारा नंबर है इसे अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू आती है 15873, ओके ऐसे ही जब हम इस 111111 को डिवाइड करते हैं किससे 13 से, तो हमारे पास में डिवाइड करने पे जो वैल्यू आती है वो आती है इक्वल टू 1221। इट मींस अगर हम देखेंगे तो अगर हमारे पास में कोई नंबर होता जिसमें ओनली 16 टाइम्स होता तो वो क्या होता 7 से भी डिविजिबल होता और 13 से भी डिविजिबल होता। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ना इस n को थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखने वाला हूँ, कैसे देखते हैं। तो n को मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास में 729 वंस थे, तो मैं क्या करता हूँ मैं पहले 6 टाइम्स 1 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने 6 टाइम्स 1 लिखा और बाकी की जो सारी टर्म्स है ना उन्हें मैं 0 कर देता हूँ, 0 0 0, कितने टाइम्स हमारे पास में 0 आ जाएगा यहाँ पे 723 टाइम्स, ओके 723 टाइम्स। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करूंगा मैं, हम अगर देखेंगे तो मैं इसमें ऐड करूंगा नेक्स्ट टर्म क्या 6 टर्म बाद, तो पहली 6 टर्म हमारा क्या है जहां पे 1 था वहां पे मेरा 0 0 रहेगा, अब की बार यहां उसके बाद से मेरा 1 1 स्टार्ट होगा, तो फिर 1 1 1 1 1 1 अगेन क्या करूंगा मैं इसे 6 टाइम्स 1 लिख के फिर अगेन 0 कर दूंगा, ऐसे ही हमारे पास में इस वाले केस में कितने टाइम्स 0 हो जाएगा 717 टाइम्स 0। ऐसे ही क्या करूंगा मैं फिर से क्या होगा जहां से मेरा 0 स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे 1 1 लिखूंगा, तो लास्ट की मेरी जो टर्म्स बचेंगी वो क्या बचेंगी, तो लास्ट में मेरी टर्म्स क्या आएंगी अगर मैं देखूंगा तो आएगा पहले 1 1 1 1 1 1, ये 6 टाइम्स 1 और ऐसे करते करते हमारा सब काम होते 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 लास्ट में क्या होगा, सी टोटल वंस है हमारे पास कितने टर्म्स थी 729। अब हर बार जीरोस कितने कम होते जा रहे हैं 6 कम होते जा रहे हैं, तो इसमें से 6 एन कम होते होते एक बार क्या होगा अब हमारे पास में 9 ही जीरोस बच जाएंगे, ऐसे करते करते हमारे पास में ओनली 9 जीरोस बच जाएंगे, तो जीरो कितना आ गया हमारे पास में ओनली 9 टाइम्स। इसके बाद हम फिर अगेन आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास में फिर से क्या होगा 6 टाइम्स 1 आ जाएगा, एंड देन अब की बार क्या होगा ओनली 3 टाइम्स ही जीरो रहेगा, तो ओनली 3 टाइम्स। अब इसके बाद की जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें क्या होगा हमारे पास में जीरो होगा ही नहीं 1 1 1, तो अगर मैं देखूंगा इन सारे जो नंबर्स हैं हमारे पास में इन सबका जो समेशन है इन सबको अगर मैं ऐड करते जाऊं तो क्या होगा, सी हमारे पास में क्या है फर्स्ट प्लेस पे ओनली 1 1 है, पहली फर्स्ट 6 पे 1 है ना, उसके बाद अगर मैं देखूंगा यहाँ पे हमारे 0 आ गया लेकिन नीचे 1 है, ठीक है, तो फिर से क्या होगा हमारे पास में 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स 1, फिर क्या होगा यहाँ पे 0 आ गया उसके नीचे 1 1 1 आ जाएगा,
तो ऐसे ही हमारा लास्ट तक क्या चलता रहेगा, वन 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 चलता रहेगा। और फिर जब लास्ट में हमारे पास में यहाँ जीरो है तो क्या होगा, हमने ठीक वन 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 लिख रखा है, तो इनडायरेक्टली हमारी सम क्या हो जाएगा पूरा लास्ट में वन, एंड देन ये कितने टाइम्स हो जाएगा हमारे पास में, ये 726 टाइम्स वन है हमारे पास में, एंड देन एंड में ट्रिपल जीरो। और फिर जो प्लस वन 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 है इसे मैं अलग से लिखता हूँ, तो 111। ओके नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं यहाँ पे, हमने क्या, हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पता होती है कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होता है, व्हेन लास्ट थ्री डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, लास्ट थ्री डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ओके सॉरी, लास्ट थ्री डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, तो ये हमारी क्या होती है कंडीशन कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होता है। तो हमें एक इम्पोर्टेंट बात पता है क्या, कि इस नंबर के एंड में हमारे पास में 3 जीरोस आ रहे हैं, 3 जीरोस, तो ये नंबर क्या हो जाएगा पूरा का पूरा हमारे पास में डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या है हमारे पास में डिविजिबल बाई 8 है, क्योंकि लास्ट में क्या है 3 जीरोस आ रहे हैं, 3 जीरोस इज डिविजिबल बाई 8। नाउ अब एक और बात, हमने ऊपर देखा कि हमारा 111 6 टाइम्स 1 क्या है, 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, तो हम अगर देखेंगे ये नंबर भी हमारा क्या है, क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा 13 से भी, ये भी 7 और 13 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही करते करते हमारे पास क्या होगा, नीचे तक की यहाँ तक के सारे नंबर 7 और 13 से डिविजिबल होंगे। क्यों, क्योंकि फर्स्ट 6 डिजिट 7 13 से डिविजिबल हो जाएंगे और बाद में 0 है तो उससे कोई चेंज नहीं आएगा। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जो पूरी का पूरा हमारा टर्म है ये क्या है, डिविजिबल बाई 7 एंड 13 भी है, तो आ जाएगा डिविजिबल 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 बाई 7 एंड 13। ओके अब अगर हमारे पास में इस पूरा जो ये पूरा किसके इक्वल था, ये पूरी टर्म हमारे पास में एन के इक्वल थी, उनमें से उसमें से अगर ये इतना पार्ट हमारा पूरा का पूरा क्या है 728 से डिविजिबल है, क्योंकि 8 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, तो मीन्स 728 से डिविजिबल है। तो अब जो रिमाइंडर होगा किस पे डिपेंड करेगा, 111 पे। तो अब क्या है हमारे पास में इंडायरेक्टली 111 बच गया, और वी कैन क्लियरली से कि 728 को 111 तो 728 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि ये स्मॉल है उससे, तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या बचा, इनडायरेक्टली ये पूरा नंबर मैं एन को क्या लिख सकता हूँ, एन आ जाएगा मेरे पास में, एन इज इक्वल टू ये पूरा नंबर 728 से डिविजिबल, तो आ जाएगा 728 टाइम्स ऑफ कुछ कांस्टेंट, लेट से स्मॉल एन, और प्लस में आ जाएगा 111, तो रिमाइंडर क्या गया हमारे पास में इक्वल टू 111, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिमाइंडर हो गया इक्वल टू 111 ऑप्शन 4।